वेलकम टू इन्फोटेक प्लस एंड वेलकम अगेन टू वन इनफोटेक वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने शाओमी के किसी भी डिवाइस में iOS वाला कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं और इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो कि बहुत परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ से आप सारे कंट्रोल सेंटर में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और उसके साथ यहाँ से बहुत सारे फीचर जैसे कि कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र, मतलब ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जो कि बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर मैं MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर की बात करूं तो कुछ सिलेक्टेड चीजें ही यहां पर काम करती हैं, जो कि देखने में इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन जो iOS का कंट्रोल सेंटर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो फिर ये वीडियो ब्लास्टर का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइल्स के लिंक और जो भी यहाँ पर रूम्स आते हैं वो सबसे पहले आपको यहीं पर मिल जाते हैं। iOS कंट्रोल सेंटर को हम कैसे अपने डिवाइस में इनेबल कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एप्लीकेशन का एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ से कंट्रोल सेंटर iOS 13 प्लस स्क्रीन रिकॉर्डर, तो ये दो तरीके से काम करता है, कंट्रोल सेंटर भी है और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी आप मतलब यूज कर सकते हैं। तो एक छोटी सी फाइल है, 4 MB के आसपास इसका साइज है, उसको डाउनलोड कर लेना है और कैसे इसको यूज करना और कैसे इसको सेटअप करना है, जो कि ये परमानेंटली काम करेगा, यहाँ से डिसेबल वगैरह नहीं होगा। मतलब यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ से अगर विंडोज मतलब क्लोज कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो ये चला जाता है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाएगा। इसका मैं परमानेंट आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ और ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, जो कि एक iOS का ओरिजिनल कंट्रोल सेंटर है। सारे ही फीचर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं iOS कंट्रोल सेंटर के। तो चलिए, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो आइकन है इस तरीके से आ जाता है, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह करना होगी, उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको अगर फर्स्ट टाइम आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर इसकी जो कुछ परमिशन अलाउ करना होगी ओके कर दीजिए, उसके बाद ये आपको जो है डिस्प्ले की परमिशन मांगेगा, इसको आपको दे देना है, उसके बाद यहाँ से ये आपका काम हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और ये परमानेंट यूज करने के लिए मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी मॉडिफिकेशन हम और कर लेते हैं, जो कि काफी अच्छा है, यहाँ पर एक लुक इसके पास आ जाएगा और यहाँ से कुछ एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी सेटअप करने में थोड़े से एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस का निशान है, इस पर जैसे भी आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन आपके जितने भी डिवाइस में इंस्टॉल होंगे वो आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐड करके कैमरा वगैरह मतलब जो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हैं। कोई गेम अगर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये फौजी पड़ा है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से ये सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग हो चुकी है और उसके साथ अगर यहाँ से नाइट मोड वगैरह भी आप ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड की एक्टिविटी को कुछ सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अगर अच्छा लगता है अपने हिसाब से एडजस्ट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा यहाँ से काम हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं। तो देख सकते हैं आप बहुत परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो आप कुछ मतलब परमिशंस भी यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए, फिर ये हमेशा काम करता रहेगा। तो देख सकते हैं अगर मैं इसको घटाता बढ़ाता हूँ तो मॉडिफिकेशन की जो परमिशन है वो इनेबल करना होगी। तो यहाँ से मैंने इसको इनेबल कर दिया है, अब मैं यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकता हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ से दोनों कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं, आपका MIUI 12 वाला भी कर रहा है प्लस आपका जो है iOS वाला भी यहाँ से कर रहा। आप तो मतलब दोनों कंट्रोल सेंटर में से कोई सा भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन वगैरह आप एप्लीकेशन की परमिशन वगैरह यहाँ पर देना होगी, ये मांग रहा है और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपका काम करता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, तो ये फाइनली हमारा बिल्कुल सेटअप हो चुका है, अब यहाँ से आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके कुछ जो परमिशंस वगैरह हैं वो भी आप जितनी भी परमिशंस ये हैं फर्स्ट टाइम में आपको इनेबल करना होगी, उसके बाद ये परफेक्टली खुद से वर्क करने लगेगा, फिर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए इसमें परमिशन जो एक बार देना पड़ती है, उसके बाद फिर फुल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर परमिशन दे दिया, अभी मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से कोई भी मतलब यहाँ पर वाइब्रेट या मतलब जो भी नाइट मोड वगैरह आप जो भी लगाना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ से जो मैंने ये कैमरा वगैरह सेट किया तो ये सारा अच्छे से काम कर रहा है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार बढ़िया चीज़ है, अगर iOS वाला कंट्रोल सेंटर आप अपने किसी भी डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद हमेशा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमेशा यूज़ करने के लिए मतलब कभी भी टर्न ऑफ ना हो तो इस विंडो को आप लॉक कर सकते हैं, लॉक करने के बाद ये कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा
और परमानेंटली आप इसको हमेशा एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर लॉक कर देते हैं तो ये हमेशा काम करेगा नहीं, और दोनों कंट्रोल सेंटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं दोनों अच्छे से काम कर रहा है, मॉडिफिकेशंस वगैरह या मतलब ब्राइटनेस वगैरह या म्यूज़िक वगैरह भी ऐड यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए म्यूज़िक एप्लीकेशन को ऐड कर देना है और ये अच्छे से काम करेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, जिससे जो मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।